सबके मन में देखिए एक सवाल चल रहा है कि भाई कौन होगा आरसीबी का अगला कैप्टन। हम सभी फैंस की नजर इस सवाल पर टिकी हुई है कि विराट कोहली के कैप्टनसी छोड़ने के बाद आरसीबी किसे अपना कैप्टन बनाना चाहती है। आरसीबी जिसे कैप्टन बनाना चाहती है उसका नाम दोस्तों हमें पता चल चुका है और इस वीडियो में मैं आपको वो नाम बताने वाला हूँ। तो अगर आप दोस्तों उस प्लेयर का नाम जानना चाहते हैं जो आरसीबी का अगला कैप्टन हो सकता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आरसीबी विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज को पहले रिटेन कर चुकी है और अब उनके पास 57 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा हुआ है। इस साल एबी डिविलियर्स टीम का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, तो भाई आखिर कौन होगा एबी का रिप्लेसमेंट। चलिए मैं आपको 10 ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ जिन पर आरसीबी ऑक्शन में जरूर दाव खेलेगी। नंबर 10, वनिंदु हसरंग। दोस्तों श्रीलंका ने हमेशा से ही दुनिया को वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स दिए हैं, अब चाहे वो मुरलीधरन हो, हेरात हो या फिर अजंता मेंडिस हो, इन सभी ने अपने समय में वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचाया है। वनिंदु इस लिस्ट का लेटेस्ट नाम है। भारत के खिलाफ सीरीज में उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी। बहुत ही कम समय में दोस्तों इस बॉलर ने वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स में अपनी जगह बना ली है। आईपीएल 2021 के सेकंड लेग में भी हसरंगा आरसीबी का हिस्सा रहे थे। उन्हें 2 मैचेस में मौका मिला था लेकिन वो कोई भी विकेट नहीं ले सके थे और काफी महंगे भी रहे थे। हालांकि वनिंदु एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और एक दो फेलियर्स उनके टैलेंट को बयां नहीं करते। बॉलिंग के अलावा वो ठीक ठाक बैटिंग भी दोस्तों कर सकते हैं। इस साल के मेगा ऑक्शन में वनिंदु पर कई टीम्स की निगाहें होंगी और आरसीबी अपने इस प्लेयर को वापस हासिल जरूर करना चाहेगी। नंबर 9, डेविन कॉनवे। दोस्तों चाहे विराट हो या फिर मैक्सवेल, ये दोनों ही प्लेयर्स काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और अक्सर देखा गया है कि इसके कारण आरसीबी की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर भी जाती है। ऐसे में दोस्तों आरसीबी एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए जरूर जाएगी। डेविन कॉनवे वो नाम है जो हाल ही के दिनों में दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। बात करें T20 क्रिकेट की तो उन्होंने 17 पारियों में 602 रन बनाए हैं और उनका एवरेज 50 से ऊपर का है। इसके साथ ही वो एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। कॉनवे के शॉट्स अग्रेसिव नहीं होते लेकिन इफेक्टिव बहुत होते हैं और वो इस साल आईपीएल ऑक्शन में काफी डिमांडेड रहने वाले हैं। नंबर 8, लायम लिविंगस्टोन। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर लायम लिविंगस्टोन की। इस प्लेयर का नाम भी आजकल काफी फेमस हो रहा है दोस्तों और इसका कारण है इनकी पावर हिटिंग एबिलिटी। डोमेस्टिक क्रिकेट और इंग्लैंड के घरेलू T20 लीग में इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है और बॉलर्स को बाउंड्री कैच स्टेडियम के पार मारा हुआ है। 17 मैचेस लंबे अपने करियर में वो एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं। साल 2009 और 2021 के आईपीएल में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से कुल 9 मैचेस खेले थे जिसमें उन्होंने सिर्फ 113 रन बनाए थे। लायम लिविंगस्टोन एक पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं और कई बार वो अपनी स्पिन बॉलिंग से खेल पलट चुके हैं। आरसीबी के लिए ये एक अच्छे फिनिशर हो सकते हैं। नंबर 7, शाहरुख खान। दोस्तों बॉलीवुड स्टार शाहरुख की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ये क्रिकेटर हैं। साल 2021 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान को 5.25 करोड़ की भारी भरकम कीमत देकर खरीदा था। उन्होंने 2021 के आईपीएल में 11 मैचेस खेलते हुए सिर्फ 153 रन बनाए थे। इसमें उनके द्वारा सीएसके के खिलाफ खेली गई 47 रन की पारी एकमात्र यादगार पारी थी। साल 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली टीम तमिलनाडु के वो अहम हिस्सा रहे थे। शाहरुख को मिडिल ऑर्डर में उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जाना जाता है। वो अभी सिर्फ 26 साल के हैं इसलिए वो आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 6, डिवॉल ब्रेविस। दोस्तों अगर आप डिवॉल ब्रेविस का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुके हैं और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी जरूर देखें। साउथ अफ्रीका के 17 साल के इस प्लेयर को बेबी एबी कहा जा रहा है क्योंकि इनकी बैटिंग करने का स्टाइल काफी हद तक एबी डिविलियर्स की ही तरह है। हाल ही में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस शानदार रही है। ब्रेविस में न सिर्फ डिविलियर्स की झलक दिखती है बल्कि उन्होंने कुछ समय तक मिस्टर 360 से ट्रेनिंग भी ली है। ब्रेविस आरसीबी और विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट्स में वो आरसीबी की जर्सी पहने हुए नजर आ चुके हैं और आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट माइक हेसन उन्हें फॉलो भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि बेबी एबी इस बार हमें आरसीबी की ओर से खेलते हुए नजर आ जाए। नंबर 5, शिवम मावी। दोस्तों पिछले साल आरसीबी में हर्षल पटेल थे जो 2021 सीजन के पर्पल कैप होल्डर थे। उन्होंने 2021 सीजन में 32 विकेट्स लिए थे लेकिन आरसीबी ने उन्हें रिटेन नहीं किया। अब ये बात तो भाई बिल्कुल पक्की है कि आरसीबी इस बार फिर से हर्षल पटेल की ओर जोर शोर से जाने वाली है। लेकिन ये बात भी सत्य है दोस्तों कि इस बार हर्षल पटेल को खरीद पाना पिछले सीजन की तरह आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसे में अगर आरसीबी एक ऐसा बॉलर चाहती है जो यंग हो, टैलेंटेड हो और लंबे समय तक उनकी टीम का हिस्सा रह पाए तो वो शिवम मावी की तरफ जा सकते हैं। इस प्लेयर ने वर्ल्ड क्रिकेट में उस समय सनसनी मचाई थी जब साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में दुनिया ने इसे 145 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ज्यादा बॉलिंग करते हुए देखा था। शिवम मावी की लाइन लेंथ शानदार है और वो अभी सिर्फ 23 साल के हैं। ये आरसीबी के लिए एक शानदार फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 4, शाकिब अल हसन।
दोस्त, इस बात में कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन आज वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। शाकिब वो खिलाड़ी हैं जो अपने खेल के साथ टीम में एक्सपीरियंस भी लाते हैं। उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू 2011 में किया था जब केकेआर ने उन्हें खरीदा था। इसके बाद 2018 में वो सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा बन गए और 2021 में ही उन्होंने केकेआर में वापसी की थी। 71 मैचेस लंबे अपने आईपीएल करियर में उन्होंने 793 रन बनाए हैं और 63 विकेट्स भी चटकाए हैं। शाकिब अल हसन की बॉलिंग की खासियत ये है कि वो रन्स पर रोक लगा सकते हैं और अगर कभी पारी बिखर रही हो तो उसे भी संभालने की काबिलियत रखते हैं। आरसीबी फिफ्थ पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए शाकिब अल हसन को जरूर कंसिडर करेगी। नंबर 3, ईशान किशन। दोस्तों, ईशान किशन की इस बार ऑक्शन में बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो टीम को कई तरीकों से सर्व कर सकते हैं। ईशान ओपनिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। वो एक शानदार फील्डर हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान ने साल 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की कैप्टनसी भी की हुई है। तो आरसीबी अगर आज ईशान किशन को खरीद लेती है तो शायद वो उन्हें फ्यूचर कैप्टन के रूप में ग्रूम भी कर सकते हैं। पिछले साल तक देवदत्त आरसीबी के ओपनर हुआ करते थे और इस साल भी वो देवदत्त को खरीदने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर वो ईशान किशन को खरीदने में कामयाब होते हैं तो यह आरसीबी के लिए सोने पर सुहागा होगा। वैसे एक आरसीबी फैन के नाते आप किसे अपनी टीम में देखना चाहेंगे, देवदत्त या ईशान किशन, हमें कॉमेंट करके बताएं। नंबर 2, कगिसो रबाडा। दोस्तों, बात करते हैं साउथ अफ्रीकन पेस एक्सप्रेस कगिसो रबाडा की। 26 साल के इस बॉलर ने दुनिया भर के बल्लेबाजों में खौफ रखा हुआ है। रबाडा लगातार 145 प्लस की स्पीड से अब बॉलिंग कर सकते हैं। साल 2020 में दिल्ली की ओर से खेलते हुए इन्होंने पर्पल कैप जीती थी, तो 2021 के 15 मैचेस में उन्होंने 15 विकेट्स छटके थे। 50 मैचेस लंबे अपने करियर में वो 76 विकेट्स छटक चुके हैं। रबाडा पावर प्ले ओवर्स में रन्स रोक सकते हैं और विकेट्स भी ले सकते हैं। आरसीबी के साथ हमेशा ही देखा गया है कि उनके बैट्समैन रन तो बहुत बनाते हैं लेकिन बॉलर सारे रन खर्च कर देते हैं। रबाडा जैसे बॉलर्स के इर्द गिर्द टीम की बॉलिंग फाउंडेशन जमाना काफी सही फैसला हो सकता है। नंबर 1, श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ही वो नाम है जिसे आरसीबी का अगला कैप्टन माना जा रहा है। अभी तो आरसीबी ने उन्हें खरीदा भी नहीं और मैं उन्हें कैप्टन बना रहा हूँ। देखिए, इस बात का जवाब पाने के लिए दोस्तों आकाश चोपड़ा की बात सुननी चाहिए। चोपड़ा साहब ने यह बात कही है कि उन्हें आरसीबी के मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने बताया है कि आरसीबी मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को किसी भी हाल में खरीदना चाहती है और वो उनके लिए 20 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 करोड़ रुपए। फिलहाल आरसीबी के पास 57 करोड़ का पर्स बैलेंस है और अगर वो सिर्फ श्रेयस अय्यर पर 20 करोड़ खर्च कर देती है तो वो दूसरे अच्छे प्लेयर्स को खरीदने के लिए मुश्किल में फंस सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आरसीबी को श्रेयस अय्यर की ओर जाना चाहिए? अगर हाँ तो उनके लिए कितने पैसे खर्च करना सही कीमत होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।